तो हेलो एंड वेलकम बैक टू कामतजी व्लॉग्स। तो आज हम लोग ने एक bajao.com से गिटार मंगाया है, तो उसका प्रॉपर अनबॉक्सिंग अभी हम लोग दिखाने वाले हैं। उसका रिव्यू बताएंगे कैसा है और कैसे bajao.com का ओपन बॉक्स मतलब प्रोडक्ट लिया है मैंने, वो कैसा आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यही है अपना गिटार जो मैंने bajao.com से मंगाया है, जैसे कि इस पर लिखा है। और ये गिटार हेंड्रिक्स का 40C एंटी प्रो है। तो अभी चलो इसको खोलते हैं, मतलब ऐसे मैंने इसको खोल के रखा है, पर इसको इसमें से निकालना है। इसमें डिलीवरी के टाइम पे मुझे ऑप्शन आया था कि एक्स्ट्रा 50 रुपीज पे करके इसकी पैकेजिंग जो है अच्छे से आएगी और डिस्पैच प्रायोरिटी आएगी, मतलब मेरा प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर होगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुझे 7 दिन बाद आया प्रोडक्ट। और ये बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, तो इस वाले बॉक्स को हम लोग फिलहाल हटाते हैं और इस वाले पे ध्यान डालते हैं। तो ये पैकेजिंग जो है ये अच्छे से होके आई थी, ये मैंने खोल दिया था इसके लिए ऐसा है, उसको मैंने वापस उसी डाल दिया था, पर ये अच्छे से पैक होके आया था। और फिलहाल देखते हैं इस बॉक्स में और क्या है। तो इसमें कुछ और है नहीं, इसका वैसा ही जो है कार्डबोर्ड है और डाले हुए वही प्रोटेक्शन के लिए, पर इससे लगता नहीं कुछ प्रोडक्शन होगा, पर ठीक है। तो साइड में डालते हैं और मेन अभी जाते हैं अपने गिटार के ऊपर। बाहर का बॉक्स काफी अच्छा था पर अंदर का बॉक्स एकदम डैमेज था, जिससे मुझे लगा कि प्रोडक्ट में कुछ डैमेज होगा, पर प्रॉपर था एकदम गिटार। जैसे कि देख रहे हो मैंने नेचुरल कलर का लिया था गिटार। तो ये इसमें गिटार आया है और इसमें एक डिफेक्ट था जो कॉस्मेटिक एरर है, जो मैंने पहले देख लिया था क्योंकि मैंने ओपन बॉक्स के लिए गया था, क्योंकि ये काफ़ी चीप पड़ता है। वैसे ये 4000 में आता है गिटार, पर मुझे 2200 में मिला है, जस्ट बिकॉज कि इसके नेक पे एक फिनिशिंग एरर है पेंट का। बाकी इसके गिटार में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉपर फंक्शनिंग है, इसमें सब अच्छे से काम कर रहा है। सिर्फ कॉस्मेटिक एरर्स जो है वो है, जैसे फिनिशिंग एरर है, यहाँ पे थोड़े थोड़े बस कलर जो है निकले हुए, बाकी सब एकदम बराबर है। बाकी अगर गिटार को साइड में रख के हम लोग बॉक्स की तरफ देखते कि बॉक्स में और क्या क्या मिला है। तो ये एक बैग मिला है हेंड्रिक्स का, काफ़ी मतलब लो क्वालिटी का ही है, पर फ्री में आया तो कुछ कर नहीं सकते। और इसके अंदर इधर कुछ नहीं है, एक और चेन है इसमें देखते। तो इसके अंदर और भी हमें सामान मिला है, जैसे कि ये तो बिल है, और दिखाता हूँ आगे, जैसे कि एक क्लॉथ मिला है गिटार को साफ करने के लिए, हेंड्रिक्स का इस पर लिखा हुआ है, और कुछ पिक्स मिले इसके साथ, इधर भी है, टोटल 4 हैं अलग अलग कलर के। और एक स्ट्रिंग सेट मिला है पूरा, इसमें सारे स्ट्रिंग्स हैं एक एक सेट। और एक स्ट्रैप मिला है गिटार लगाने के लिए, लटकाने के लिए। और ये क्या है प्रोडक्ट है मुझे भी नहीं पता, पर ये शायद ट्यूनिंग के टाइम पे काम आता है। और ये एक एलन की मिला है मुझे, क्योंकि इसमें गिटार में थ्रस्ट रॉड है ना, तो उसको बराबर करने के लिए। तो बाकी बढ़ते कॉन्क्लूजन की तरफ कि ओपन बॉक्स प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, खास करके गिटार। तो उस जब मैं परचेस कर रहा था गिटार, तो वहाँ पे प्रॉपर मेंशन था कि इस गिटार में एरर है और फोटोज भी थे, तो मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि बस फिनिशिंग एरर है, पेंट का एरर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि फंक्शनिंग प्रॉपर है। तो ये मुझे 4000 में गिटार 2200 में मिला है, तो ये वैल्यू फॉर मनी है। और आपको भी जाना चाहिए ओपन बॉक्स के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक एरर्स रहते हैं, और अगर आपको कॉस्मेटिक एरर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं।
इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।